हाँ तो दोस्तों आ गए हैं फिर से नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए 4000 रुपये के अंदर गेमिंग कैबिनेट, वो भी मस्त वाला। अबे साले कभी अगर आपको गेमिंग कैबिनेट लेना था और ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे आप 4000 रुपये के अंदर आपको टॉप 3 ऐसे कैबिनेट लेके आए हैं जो कि अभी के प्राइस के हिसाब से जो अवेलेबल है उसी को लेके आए हैं। अभी अगर कोई नीचे कमेंट करके बोले कि वो वाला कैबिनेट क्यों नहीं था, ये भी क्यों नहीं था, माफ़ कीजिएगा क्योंकि अभी जो स्टॉक में अवेलेबल है उसको ही हमने चूज़ किया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो हमारी लिस्ट में हमने यहाँ पे जो टॉप 3 में रखा है वो आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला IS 310 MT। ये मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है और देख सकते हैं सामने की तरफ यहाँ पे आपको पूरा मेस डिजाइन देखने को मिल जाता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको एयर फ्लो के रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सामने की तरफ आपको 180 mm का 2 फैन मिल जाता है और पीछे की तरफ आपको 120 mm का 1 फैन देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो सामने की तरफ 120 mm का ट्रिपल फैन भी लगा सकते हैं, ऊपर आपको 2 फैन भी लगा सकते हैं और नीचे की तरफ भी और एक 2 फैन लगा सकते हैं 120 mm का, क्योंकि ये मैच डिज़ाइन के साथ आता है इसमें, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एयर फ्लो के रिलेटेड। और साइड में आपको 4 mm का टेम्पर ग्लास भी देखने को मिल जाता है और साइड में भी आपको अच्छा खासा जगह मिलता है केबल मैनेजमेंट करने के लिए। और यहाँ पे आप ATX से लेके ITX मदरबोर्ड तक भी आप लगा सकते हैं और लंबा से लंबा ग्राफिक कार्ड भी आप लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट्स की, तो यहाँ पे पावर बटन, USB 3.0 का पोर्ट मिलता है, एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, माइक्रोफोन, हेडफोन और USB 2.0 और रिस्टार्ट का बटन मिलता है। अभी बात करते हैं इसकी, अगर आप 8GB की बात करें तो यहाँ पे 8GB के नाम पे आपको रेनबो इफेक्ट देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आप जो 8GB है उसके लिए कोई डेडिकेटेड बटन तो नहीं है, तो इसका यही एक बड़ा कॉन है जो कि आपके लुक को ख़राब कर सकता है। तो बढ़ते हैं अगली कैबिनेट की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो कैबिनेट को रखा है वो आता है चिपटॉन्स की तरफ से आने वाला HX1000। ये भी मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है, तो इसका भी डिज़ाइन जो देखेंगे आपको साइड में की तरफ मैच डिज़ाइन के साथ आता है जो कि आपको सामने की तरफ 3 आपको ARGB फैन मिल जाता है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं मदरबोर्ड के ARGB हेडर से। और पीछे की तरफ जो एग्जॉस्ट फैन है वो एक नॉर्मल फैन है, उसको आप कोई कलर वगैरह कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो नॉर्मल फैन है। और साइड में आपको 4 mm का टेम्पर ग्लास भी देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसकी केबल मैनेजमेंट की, उसके लिए भी आपको अच्छा खासा जगह मिल जाता है। और अगर मदरबोर्ड की सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ATX से लेके ITX मदरबोर्ड तक आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि मिड टावर है इसलिए कोई ग्राफिक कार्ड में भी आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप दो आप चाहें तो SSD लगा सकते हैं, दो आपको हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और बात करते हैं पोर्ट्स की, तो यहाँ पे पोर्ट आपको पावर बटन, रिसेट बटन, LED कंट्रोल बटन और ऑडियो का भी बटन भी देखने को मिल जाता है। और आपको USB 2.0 का 2 पोर्ट और USB 3.0 का 1 पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइस इसका लगभग आपको 4000 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। ये भी एक बढ़िया कैबिनेट है, आप चाहे तो ये वाला भी कैबिनेट ले सकते हैं अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि आपको 4 फैन आपको ARGB नहीं मिलता है, 1 फैन आपको सिर्फ देखने को मिल जाता है नॉर्मल, बाकी 3 आपको ARGB मिलता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा और खर्च करना पड़ेगा। तो इस कैबिनेट में तो मुझे यही सबसे ज़्यादा कौन लगा कि देना तो चाहिए था, 4000 रुपये ले रहे हो तो आपको और 1 फैन ARGB देना चाहिए था लेकिन कंपनी ने नहीं दी। एटलीस्ट देना चाहिए था। अभी बात करते हैं आखिरी कैबिनेट, टॉप 1 में हमने जो कैबिनेट को रखा है वो आता है एंटी स्पोर्ट्स का फिर से 311 MT जो कि आपको देखने को मिल जाता है। 4 आपको ARGB फैन के साथ आता है और सामने की तरफ देख सकते हैं पूरा मेस डिजाइन के साथ आता है, तो एयरफ्लो रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये 4 के 4 फैन आपको ARGB हेडर के साथ आता है इसीलिए आपको यहाँ पे कोई RGB कंट्रोल करने से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और साइड में भी आपको एक टेम्पर ग्लास मिल जाता है और ऊपर की तरफ कोई आपको मेस डिजाइन मिलता है और साइड में भी आपको अच्छा खासा जगह मिलता है कैबिन मैनेजमेंट के लिए। और अगर आप चाहे तो सामने की तरफ आप 360 mm का भी रेडिएटर लगा सकते हैं या फिर आपको 240 mm का रेडिएटर लगाना हो तो ऊपर की तरफ भी आप लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड, यहाँ पे आप 3080 तक भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, आपको कोई भी साइज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो 4092 rupees में आपको ये देखने को मिल जाता है, कभी कभी और सेल में इसको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। और इनमें से अगर आपको कोई भी कैबिनेट लेना हो तो नीचे दिए गए लिंक से आप बाय करेंगे तो हमारा इसमें चैनल का थोड़ा बहुत मदद हो जाएगी।
अगर इनमें से कोई आपको कैबिनेट पसंद आता है तो नीचे दिए गए लिंक से शॉपिंग की है या फिर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमारा चैनल को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। और आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।